If a particle is performing SHM with amplitude A, find the minimum time and maximum time taken by the particle to reach at x is equal to minus A by 2 from plus A by 2. Plus A by 2 से इसको minus A by 2 तक जाना है, तो कितना minimum time लगेगा और कितना maximum time लगेगा, ये आपको निकालना है. बताओ कैसे निकालेंगे, कहाँ शुरू करना है? x is equal to plus A by 2 शुरू करना है. प्लस ए बाई टू सो, इसको कोरस्पोंडिंग रेफरेंस सर्कल देखोगे पॉइंट्स, रेफरेंस सर्कल कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा, रेफरेंस सर्कल पे ये वाला पॉइंट होगा. ठीक है, यहां से आपको पहुंचना है कहां पे? माइनस ए बाई टू पहुंचना है. माइनस ए बाई टू मतलब बीच में, ये वाला कितना होगा? माइनस ए बाई टू होगा. ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये होगा और ये होगा. इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा? इसका कोरस्पोंडिंग दो पॉइंट आएंगे, ये वाला पॉइंट आएंगे और ये वाला पॉइंट आएंगे. ठीक है, तो मिनिमम टाइम कब लगेगा? मिनिमम टाइम कब लगेगा बताओ, कैसे चलेगा? तो यहां से चल के यहां पहुंच जाए, यहां से चल के यहां पहुंच जाए, ये क्या होगा? मिनिमम टाइम होगा, होगा कि नहीं होगा? सर पॉइंटर नहीं दिख रहा है. ए वाला क्या हो गया? ए प्लस ए बाई टू वाला पॉइंट हो गया. ठीक है, प्लस ए बाई टू वाला पॉइंट हो गया. कल पढ़ा रहे थे ना रेफरेंस सर्कल, अगर सर्कल में देखोगे अगर कोई पार्टिकल अगर सिस्टम कर रहा है और प्लस ए बाई टू डिस्टेंस पे है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग अगर सर्कल पॉइंट देखोगे तो क्या आएगा? ये पॉइंट आएगा. मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है, और माइनस ए बाई टू वाला पॉइंट कहाँ से आएगा? तो माइनस ए बाई टू पीछे वाला आएगा, यानी ए वाला पॉइंट कितना होगा? माइनस ए बाई टू पॉइंट होगा. ए पॉइंट से अगर आपको पॉइंट बी पे जाना है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना, तो क्या टाइम लगेगा? मिनिमम टाइम लगेगा. कितना लगेगा? मिनिमम टाइम लगेगा. कब? जब ऐसे जाएगा तो. ठीक है, ये क्या होगा? मिनिमम टाइम होगा. कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में इसको? तो क्या टाइम लगेगा? मैक्सिमम टाइम कब होगा? जब क्या करे? यहां से घूमते घूमते यहां जाए, यहां से घूमते घूमते ऐसे जाए. ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है दोनों क्या चीज है? Yes. अगर आप देखोगे तो क्या है, ये मेन पोजीशन है, ये मान लेते हैं कि मेन पोजीशन है. ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्लस ए हो गया, ये हमारा हो गया माइनस ए. कल की क्लास सब छोड़े हो, आना तो समझ में मुश्किल ही है. तो जाएगा प्लस ए बाई टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई टू. ठीक है, तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल अभी क्या है? यहाँ पे है, यहाँ से इसको जाना है कहाँ पे है? यहाँ तक जाना है. ठीक है, प्लस ए बाई टू से इसको जाना है माइनस ए बाई टू. तो मिनिमम टाइम कब लगेगा? मिनिमम टाइम कब लगेगा? ठीक है, मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब पार्टिकल क्या हो, डायरेक्टली यहाँ से मूव करना शुरू करे. ठीक है, यहाँ से मुकर ऐसे चलते 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 चलते, चलते कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पहुंच जाए. इसको क्या लगेगा? मिनिमम टाइम लगेगा. और मैक्सिमम टाइम कब लगेगा? जब पार्टिकल इधर की ओर जा रहा हो, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से लौटते 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 यहाँ पहुंचे. ठीक है, ये दोनों टाइम आपको कैलकुलेट करना है कितना टाइम लगेगा. इसको अगर रेफरेंस सर्कल में देखते हैं, इसको अगर हम लोग रेफरेंस सर्कल में देखते हैं, कल रेफरेंस सर्कल पढ़ा रहे थे, अगर रेफरेंस सर्कल में देखोगे, ठीक है, क्योंकि जो मोशन एसएचएम में होता है, जो मोशन सिस्टम में होता है, उसको हम लोग एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कल का लेक्चर देखना. ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्लस ए बाई टू कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. प्लस ए बाई टू क्या होगा? यहाँ पे होगा. इससे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर देखोगे सर्कल पे, तो कौन सा पॉइंट होगा? ए पॉइंट होगा. ए पॉइंट से बेसिकली कहाँ जाना है इसको? ये हमारा माइनस ए बाई टू वाला पॉइंट हो गया. इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर सर्कल पॉइंट देखोगे तो क्या आएगा? ए पॉइंट आएगा. यानी आपको मूव कहाँ से कहाँ करना है? तो ए पॉइंट से मूव करना है आपको बी पॉइंट तक. ए पॉइंट से मूव करना आपको बी पॉइंट तक. ठीक है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? ठीक है, पहले तो एंगल निकालो. एंगल निकालना पड़ेगा ना पहले. पहले एंगल निकालो. ये एंगल कितना होगा? फटाक से बताओ कितना एंगल होगा? मेगा टी.
60 डिग्री ना, अरे a बाई टू दे रखा है ना, हाँ a बाई टू दे रखा है, a बाई टू मतलब क्या होगा, इसका मतलब a है, a बाई टू कब होगा, a cos 60 को होगा, यस सर, यानी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 यानी पाई बाई थ्री ना, पाई बाई थ्री, ठीक है। उस तरह से ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल क्या होगा 60 होगा, यानी कितना इसको मूव करना पड़ेगा, अगर सर्कल पे देखोगे तो कितना मूव करना पड़ेगा, पाई बाई थ्री एंगल मूव करना पड़ेगा, अरे मूव करना पड़ेगा पाई बाई थ्री, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए कितना एंगल मूव करना पड़ेगा, पाई बाई थ्री। कल जो क्लास छोड़े हो, ठीक है, मिली सिर्फ कर रही थी, बाकी कोई कर नहीं रहा था, तो देख लेना उसको कि कैसे किसी ऐसे चेम को हम लोग रेफरेंस सर्कल पे उसके सारे मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पार्टिकल अगर ऐसे चेम कर रहा हो उसको हम लोग रेफरेंस सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ओमेगा स्पीड से अगर मूव कर रहा हो, सेम ही चीज होता है। क्लास लेक्चर में देखना, पूरा लेक्चर इसी पे चला था, पूरा का पूरा लेक्चर इसी पे चला था, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रेफरेंस सर्कल से, नहीं देखे होगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मिली समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो पॉइंट ए से बी तक जाना होगा, इसका मतलब उसको कितना मूव करना पड़ेगा, अगर एंगल की बात करें, एंगल में कितना मूव करना पड़ेगा, 60 डिग्री मूव करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम की बात करें तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है कि पूरा 2 पाई मूव करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, एक टाइम पीरियड के बराबर 2 पाई एंगल मूव करने के लिए, पूरा का पूरा 2 पाई एंगल मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम पीरियड के बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो 2 पाई एंगल मूव करने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, यानी अगर पर सेकंड देखोगे कितना लगेगा, टी बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय कितना लगेगा, पाई बाई 6, पाई बाई 3 ना, पाई बाई 3 होगा कि नहीं होगा, तो टी बाई 6 आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ तो जरा। यस सर। मिनिमम टाइम कितना लगेगा, टी बाई 6 लगेगा, क्योंकि पूरा 2 पाई रोटेट करने के लिए कितना चाहिए होगा, टी टाइम चाहिए होगा, यूनिटरी मेथड 2 पाई रोटेट करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो टी चाहिए होगा 2 पाई रोटेट करने के लिए, ठीक है, टाइम पीरियड है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, तो 2 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो 2 पाई में कितना टाइम लगेगा, टी, तो 1 में कितना लगेगा, 1 में लगेगा टी अपॉन 2 पाई, टी अपॉन 2 पाई, तो पाई बाय 6 में कितना एंगल कितना टाइम चाहिए होगा, तो पाई बाय 6 में कितना हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, टी अपॉन कुछ गड़बड़ किया क्या, पाई बाय 3 होगा ना, पाई बाय टाइम कितना लगेगा, टी बाय 6 टाइम लगेगा, ये क्या होगा मिनिमम टाइम हो गया, मैक्सिमम टाइम कितना होगा, तो मैक्सिमम टाइम के लिए क्या होगा, तो पार्टिकल कैसे मूव करना पड़ेगा, इसके थ्रू मूव करना पड़ेगा, पार्टिकल को ऐसे मूव करना पड़ेगा, कितना टाइम होगा, अगर टी मैक्स की बात करेंगे, मैक्सिमम टाइम की बात करेंगे, कितना लगेगा, तो टी अपॉन 2 पाई, और एंगल कितना मूव करना पड़ेगा इसको, तो बोलो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा 6 पाई माइनस 5, हो जाएगा टी अपॉन 2 पाई इनटू 5 बाय 3, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 5t/6, इसको लेगा मैक्सिमम टाइम और लेगा आपको मिनिमम टाइम, ठीक है, नहीं समझ में आया ना बाकी लोगों को, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया ना, सर्वेश, सर्वेश नहीं सर, तो कल के नहीं आए थे, कैसे एक एसएचएम को हम लोग रेफरेंस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जब यही नहीं पता होगा तो आज का तो लेक्चर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, खुशी, खुशी yes, समझ में तो नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा आया, श्रुति हाँ सर आया समझ में, यस सर, अरे वाह तुम तो क्लास भी नहीं की थी, कैसे आया समझ में, आए थे सर, अच्छा आई थी, ओके, आधे टाइम तो तुम लोग गायब रहते हो, तो क्या बताएं, रिकॉर्डिंग ऑन की है ना जी, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर टू। इसको नहीं आएगा फिर भी ट्राई करना और जाके लेक्चर देखना फटाफट, रेफरेंस सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किसी भी सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, मैं लिखूंगा नहीं। इफ टू पार्टिकल आर परफॉर्मिंग SHM विथ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इफ टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM, इफ टू पार्टिकल आर परफॉर्मिंग SHM विथ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विथ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड बोथ आर एट ए बाय टू, बोथ आर एट ए बाय टू एंड मूविंग अवे फ्रॉम, एंड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। फाइंड द फेज डिफरेंस एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल इफ देयर मीन पोजिशन इज सेम एंड एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो सेम, इफ देयर मीन पोजिशन इज सेम एंड amplitude is also same, also same। जरा करो जरा खुद से, दो पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, ठीक है, सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, a by 2 से स्टार्ट किया है, लेकिन दोनों मूव क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, एक क्या कर रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों का मेन पोजिशन क्या है, सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, निकालना है, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा और दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले निकालो फेज डिफरेंस कितना होगा, निकालो, ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते तब तक हम। ट्राई करो रेफरेंस सर्कल से, सर फेज डिफरेंस t इनटू अंडर रूट k बाय m प्लस पाई होगा, k बाय डायरेक्टली बताओ, एंगल में बताओ, एंगल में कितना होगा, के कहां से ले आई, ओमेगा से, दोनों कहां पे है, ए बाई टू पे है, दोनों क्या है, ए बाई टू पे है। मान लो कि मीन पोजीशन है, एक पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, दूसरा पार्टिकल भी क्या है, यहीं पे है, लेकिन क्या है, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी एक अगर इधर की ओर मूव कर रहा होगा, दूसरा क्या कर रहा होगा, इधर की ओर मूव कर रहा होगा, ठीक है, एक इधर की ओर मूव कर रहा होगा तो एक उधर की ओर मूव कर रहा होगा, तो बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो निकाल सकते हो, इसको रेफरेंस सर्कल से भी निकाल कर देखो, ऐसे भी लिखो, ऐसा होता है, देखो ना इसका फेज कितना होगा, इसका इनिशियल फेज निकाल सकते हो, इसका इनिशियल फेज निकाल सकते हैं, आई
टू बाई थ्री पाई होगा सर, टू बाई थ्री पाई, टू बाई थ्री पाई नहीं, सिक्सटी या सिक्सटी, वन ट्वेंटी होना चाहिए ना, 120 आना चाहिए, देखो जरा करके। And other is at x is equal to zero, at x is equal to zero and moving away from each other, and moving away from each other. देखो क्या किए, क्या किए तुम लोग, अगर देखोगे रेफरेंस सर्कल से, अगर देखते हैं हम लोग, अगर रेफरेंस सर्कल से अगर हम चीज को देखते हैं, ठीक है, क्या होगा, पार्टिकल कहाँ पे है, तो पार्टिकल है, पार्टिकल है ए बाई टू पे है, ए बाई टू कहने का मतलब क्या होगा, तो पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, रेफरेंस सर्कल देखो तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना, पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और दोनों क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कैसा मूव कर रहा है बताओ, ठीक है, पार्टिकल देखो ए बाई टू पे है, या तो पार्टिकल यहाँ पे होगा, या तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, पार्टिकल क्या है, या तो यहाँ पे होगा, या तो पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये हो सकता है ना। दोनों क्या बोल रहा है, दोनों क्या कर रहा है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, इसका मतलब या तो दोनों इस तरह से मूव कर रहा होगा, या फिर दोनों क्या कर रहा होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, क्योंकि दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है दोनों, ठीक है, यानी मान लेते दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दोनों ऐसे मूव कर रहा होगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये मानते हो, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये तो डिपेंड करेगा किस पे, ये तो डिपेंड करेगा किस पे, कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका किधर है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, मतलब दोनों का जो रेफरेंस सर्कल पर रोटेशन होगा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, रेफरेंस सर्कल में डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं कि अभी क्या है, दोनों क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूव कर रहा है, इसका मतलब अगर पार्टिकल ए बाई टू पे है, पार्टिकल क्या है, दोनों पार्टिकल अगर ए बाई टू पे है, ठीक है, मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब एक पार्टिकल क्या होगा, जैसे फर्स्ट पार्टिकल मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, हमारा क्या है, सेकंड पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम मीन पोजिशन जा रहा है, अवे फ्रॉम मीन पोजिशन जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पर इधर की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम मीन पोजिशन होगा कि नहीं होगा, और सेकंड पार्टिकल क्या है, सेकंड पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है, मतलब सेकंड पार्टिकल कौन सा होगा, ये वाला होगा, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये बात समझ में आ रहा है, यस सर, जब ये बात समझ में आ गया तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, 120 डिग्री का, कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा पाई बाई सिक्स, ये भी एंगल कितना होगा, पाई बाई सिक्स, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, तो पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय सिक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाय थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, सही लिखे क्या, सही लिखे हैं, नहीं सर, ये कितना आ जाएगा जी, एंगल, एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाय थ्री होगा ना, 60 डिग्री कितना हो जाता है, पाई बाय थ्री ना, पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री कितना जाएगा, टू पाई बाय थ्री, हाँ ठीक है, मेरे को दिमाग में चल रहा था पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय सिक्स, सॉरी पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय सिक्स चल रहा था मेरे दिमाग में, 120 डिग्री होगा, ठीक है, कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, कब होगा मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में,
मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। सोच के कैसे होगा दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे? अगर आप देखोगे एसएचएम को, एक क्या कर रहा है, एक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक मूव करते करते इधर आएगा, एक मूव करते 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 कहाँ पहुंचेगा? फिर जब इधर की ओर चलना शुरू करेगा, ये पार्टल क्या करेगा, शुरू करेगा इधर की ओर चलने के लिए, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, ये जब इधर पहुंचेगा तो कहीं पहुंच गया, यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा बताओ? अगर इसको देखोगे, इसको अगर आप देखोगे, ये पार्टिकल अभी यहाँ है, ये पार्टिकल क्या यहाँ है। अगर आप देखोगे ये पार्टिकल अगर मूव करते करते यहाँ पहुंच जाता है, ये पार्टिकल अगर मूव करते करते यहाँ पहुंच जाता है, ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा मूव करते करते? ये मान लो कि 60 डिग्री और मूव कर गया, मान लो कि 60 डिग्री और मूव कर गया, ये आ जाएगा कितना, ये भी क्या करेगा 60 डिग्री मूव कर जाएगा, ये पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? पाई बाई थ्री, ये भी क्या होगा पाई बाई थ्री। तो अगर रेफरेंस सर्कल पे देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्टिकल अगर यहाँ पहुंचता है, ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा। yes, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है ना, ठीक है। मान लो कि ये और पाई बाई 60 मूव कर गया, मान लो और पाई बाई 6 मूव कर गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि हमेशा दोनों के बीच में कितना रहेगा, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। नहीं समझ माया, नहीं समझ मारा? समझ गए सर। बेसिकली एक पार्टिकल ऐसे है और एक पार्टिकल ऐसे है, ठीक है। तो ये जब मान लो कि थीटा एंगल मूव करेगा, ये मान लो कि थीटा एंगल मूव करेगा, ये भी क्या करेगा, थीटा एंगल मूव कर जाएगा, ये वाला भी क्या करेगा, थीटा एंगल मूव कर जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना रहना है, 120 रहना है, 120 रहना है। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट देखोगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, अगर एसएचएम में देखोगे तो डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। ये थोड़ा और मूव करेगा, ये थोड़ा और मूव करेगा, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो बताओ ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा दोनों के बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा दोनों के बीच में बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कब होगा। बताओ, मिली तुम ही लगा सकती हो, बाकी तो आए नहीं थे, बताओ। फिर ऑपोजिट पोजीशन पे चला जाए बिल्कुल। अगर एक मान लो यहाँ पे रहे और दूसरा कहाँ रहे, यहाँ पे रहे, ठीक है। ये मान लो यहाँ से ये कितना पाई बाय 6 ना, पाई बाय 3, और ठीक है पाई बाय 3, पाई बाय 3 ये कह रहे पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री। इस केस में दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ कि नहीं होगा बताओ? होगा सर। हुआ कि नहीं होगा? यानी एक पार्टिकल अगर यहाँ पे रहेगा, दूसरा पार्टिकल कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दोनों अगर इस तरह से पहुंच जाए, दोनों अगर इस तरह से पहुंच जाए, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर देखो थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगा के देखो, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ कि नहीं होगा, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ कि नहीं होगा? हाँ सर। ये बात समझ में आता है, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, ऐसा होगा ना, जब पार्टिकल टू यहाँ पहुंच जाए तो पार्टिकल वन कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, पार्टिकल कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो इस केस में ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा। ये हो गया कॉस, कितना हो गया, 30 हो गया ना, कितना हो गया a by 2, कितना हो गया a by 2, a by कितना हो जाएगा a by 2, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा a by 2 plus a by 2,
यानी कितना जाएगा a के बराबर हो जाएगा, ठीक है, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ए होगा, बाकी टाइम हमेशा क्या होगा ए से कम होगा, बाकी टाइम हमेशा क्या होगा ए से कम होगा, ये बात समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे अगर आप देखते हैं एसएचएम में, ठीक है, अगर यहां से देखते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन अगर रेफरेंस सर्कल से देखते हैं तो चीजें क्या होता है, बड़ा आसान हो जाता है। फेज डिफरेंस निकालना भी आसान है और मैक्सिमम डिस्टेंस के निकालना, ये सब निकालना भी क्या है, आसान है। दो सिस्टम को कंपेयर करना रेफरेंस सर्कल से बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करो, जरा टू पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, वन इज एट x इक्वल टू a एंड अदर इज एट x इक्वल टू 0 एंड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, कितना होगा। cos 30 कितना होता है, 3/√3/2। अरे गधा लोग, मुझे लग रहा था कुछ गलत है। अरे ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120 ना, एंगल है 120, एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा ना, एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 a इनटू अंडर रूट 3/2 और ये कितना हो जाएगा, सेम होगा, ये वाला कितना हो जाएगा a इनटू अंडर रूट 3/2 और ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a इनटू अंडर रूट 3/2, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक ये है गलत, एक ये है गलत, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a अंडर रूट 3/2 एंड कितना आ जाएगा, ये a अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 3 a के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, नीचे ही है a रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में निकालो, इस केस में निकालो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, जरा क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्या होगा, हाँ, टू पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, वन इज एट x इक्वल टू a, अदर इज एट x इक्वल टू 0 एंड मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, ये तो नॉर्मल भी कर सकते थे, रेफरेंस सर्कल से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। एक क्या है, एक है x इक्वल टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 कौन सा होगा, ये हमारा x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पे होगा, ठीक है, मान लेते हैं क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, पार्टिकल वन मान लेते हैं कि यहाँ पे है, पार्टिकल टू कहाँ पे होगा, पार्टिकल टू क्या है, x इक्वल टू a पे है, पार्टिकल टू क्या है, x इक्वल टू a पे है, ये हमारा क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू a वाला हो जाएगा, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, ठीक है। एक पार्टिकल क्या होगा, मान लेते हैं ये मूव कर रहा है इधर की ओर, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन पर, ये क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, एक्सट्रीम पोजिशन पर क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, पार्टिकल एक इधर की ओर मूव करेगा, पार्टिकल ए इधर की ओर मूव करेगा, पार्टिकल ए क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, तभी ना मूविंग
क्या है एंड मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर एट x इक्वल टू जीरो एंड अदर इज x इक्वल टू a एंड मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, एक दूसरे से दूर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम इच अदर, इसमें कैसे होगा सर? एक एक्सट्रीम पे जा रहा होगा और एक जाएगा, एक जा चुका है और एक जाएगा, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर, एक अगर इधर के मूव कर रहा होगा तो एक इधर के मूव कर रहा होगा ना, सेम एंगल फ्रीक्वेंसी से, एक इधर के मूव कर रहा होगा, एक क्या कर रहा होगा इधर के मूव कर रहा होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो मूविंग, सर स्क्रीन फ्रीज क्यों हो जाता है बार बार? फ्रीज हो जाता है अभी, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, देखो अब इसमें सर मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर मतलब एक दूसरे के टुवार्ड्स मूव कर रहे हैं, मूविंग टुवार्ड्स इच अदर कर दो, ठीक है, एक पार्टिकल क्या होगा, एक पार्टिकल क्या होगा तो देखोगे तो एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ये तो यहां से इधर क्यों मूव कर रहा होगा, ये पार्टिकल यहां से इधर क्यों मूव कर रहा होगा, और दूसरा पार्टिकल क्या होगा, दूसरा पार्टिकल इधर क्यों मूव कर रहा होगा, दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा होगा, दूसरा पार्टिकल इधर क्यों मूव कर रहा होगा, इधर क्यों मूव कर रहा होगा मतलब कहां पे होगा पार्टिकल, यहां पे होगा ना, फर्स्ट पार्टिकल कहां पे होगा, यहां पे होगा, सेकंड पार्टिकल कहां पे होगा, यहां पे होगा, समझ में आया क्या किया मैंने, ठीक है, दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये हमारा x इक्वल टू ए हो गया, ये हमारा x इक्वल टू जीरो हो गया, यानी ये तो एक्सट्रीम पॉइंट पे तो क्या करेगा इधर की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट पे है क्या करेगा इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है, अगर मेन पॉइंट वाला इधर की ओर मूव करता है इसका मतलब कौन सा पॉइंट लेंगे, ए ना लेके कौन सा पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट लेंगे, क्योंकि यहां से क्या होगा, यहां से इधर की ओर मूव करेगा तो क्या होगा अवे फ्रॉम मेन पोजिशन इट टुवर्ड्स द क्या हो जाएगा मेन पोजिशन, ठीक है, Yes, इसमें क्या होगा इधर की ओर होगा, अब बताओ एक पार्टिकल एक यहाँ पे है दूसरा पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री का, फेज डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है, होना भी चाहिए था डायरेक्टली बता सकते थे, इधर तुम याद करके आए हैं x इक्वल टू ए पे और x इक्वल टू जीरो पे कितना होगा फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होगा आपका पाई बाय टू का, कितना होगा पाई बाय टू का, तो किसी भी रेफरेंस सर्कल से आपको बड़ा फटाफट आप देख सकते हो, फटाफट आप देख सकते हो कौन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, हम लोग को नेक्स्ट ही पढ़ाना है सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एच एम, सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एच एम, लेकिन ये लेक्चर हम आज नहीं पढ़ाएंगे, ये लेक्चर इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, इसमें हम खूब यूज करेंगे इसका फेजर डायग्राम यूज करेंगे, तो फेजर डायग्राम से सब कुछ हम लोग ऐड करेंगे, तो फेजर डायग्राम वाला आप लोग कहीं से भी पढ़ के आओगे नहीं तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, अगर फेजर डायग्राम नहीं आता है, ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एच एम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सुपर पोजिशन मतलब दो एस एच एम को किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, दो एस एच एम को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग फेजर डायग्राम के थ्रू इसको ऐड करेंगे, जिसको ये चीज नहीं आता हो फेजर डायग्राम वो कृपया करके रिक्वेस्ट है लेक्चर देख के आना, समझ के आना, और नेक्स्ट लेक्चर कब है 15 मिनट पहले ज्वाइन करना, इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, टाइम टेबल देख के बताओ नेक्स्ट लेक्चर कब है, कल है क्या नेक्स्ट लेक्चर, कल है, एक मिनट सर, नहीं सर थर्ड को है, थर्ड को है, तो कल जैसे कि आप लोग का क्लास नहीं है, कल आप लोग का क्लास नहीं है ना, फिजिक्स में नहीं है ना सर, बाकी में तो है ना, फिजिक्स है ना बस, तो जिसको भी समझ में नहीं आएगा सर कैसे होता है वो, मेरा क्लास भी तो 5-10 से है ना, ओहो कैसे ले सकते हैं, 5-10 से क्लास है मेरा नेक्स्ट डे भी, तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिएगा आगे 6:30 के आगे, तो जैसे कि हम 5 हाँ 6:30 के आगे पढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हारा तो भी तो क्लास है ना, मेरा भी क्लास होगा तुम्हारा भी क्लास होगा, तब वो 6:45 से ना होता, ठीक है, तो हम नेक्स्ट 15 मिनट पहले हम आपको इस चीज को पढ़ के आइएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, जब तक पढ़ के नहीं आओगे तो 15 मिनट कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर ये चीज हम पढ़ाएंगे, और क्लास मत छोड़ा करो,
मतलब कि ये तो पढ़ाएंगे नेक्स्ट 15 मिनट, फर्स्ट 5-10 से शुरू करेंगे, 5-25 तक वही चीज पढ़ाएंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पढ़ के आना, देख के आना, तो हम लोग इस चीज को शुरू करेंगे, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आज ही समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सारी चीज तो, आज ही नहीं आ रहा होगा। छुट्टी? हाँ अभी छुट्टी, दिल मारो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको देख के आएंगे। और किसी को अगर डॉट है अभी आधे घंटे में, रोटेशन का डॉट है या कुछ डॉट है, वो चीज क्लियर कर लो, वो चीज क्लियर कर लो। ग्रुप पे डाउट भेजे थे, क्या क्या क्वेश्चन है सर उसमें, अजीब अजीब। अभी वो सब नहीं पढ़ाया है ना, कहां से ले आई है, अभी नहीं पढ़ाया, काहे घबरा जाती है, ठीक है। ये जो तुम्हारा डाउट था, वो जो क्वेश्चन था कि सैटेलाइट पे पेंडुलम वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा वाला, अभी पेंडुलम पढ़ाए कहां है, ठीक है, अभी पेंडुलम पढ़ाए नहीं है ना, दिक्कत यही है। अभी तो हम लोग सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट भी कंडक्टेड इनसाइड अ सैटेलाइट, ठीक है, वो सब पढ़ाएंगे इस सुपरपोजिशन ऑफ पेंडुलम के बाद, सुपरपोजिशन ऑफ सिस्टम के बाद वो सब भी पढ़ाएंगे, ठीक है, एंगुलर वो सब क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, ये सब पढ़ाएंगे। अभी बस तो आपको एक ही चीज पढ़ाया है ना, आपको बस स्प्रिंग वाला पढ़ाया है, yes, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ाए हैं, और ये सब भी बताएंगे, एंगुलर पेंडुलम वाला भी बताएंगे, फिजिकल पेंडुलम वाला भी बताएंगे, क्या होता है नहीं होता, कैसे टाइम पीरियड उसका निकालते हैं, कैसे इसका सिस्टम देखते हैं कि सिस्टम है कि नहीं है। उससे पहले बस ज्यादा चीज बचा हुआ नहीं है, ज्यादा चीज बचा हुआ नहीं है, ये 2-3 चीज बचा हुआ है। उसके बाद जो आपका ये सारा क्वेश्चन है ना, ये देखो अभी तक हम लोग बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं, बेसिक बिल्डअप करने के बाद फटाफट लेक्चर खत्म हो जाता है, उसका जो भी क्वेश्चन आता है वो सब आराम से आपको हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो, जो चीज नहीं पढ़ा है अभी उसको रहने दो। सर एसएचएम कब तक खत्म होगा? 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अच्छा। हो जाता है, तुम लोग अगर कल भी टाइम पे आ जाते सब कुछ, आज भी पढ़ा देते, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाता। सर कल क्लास तो है, कल क्लास है ना, तो ही तो बोल रहा हूँ, कल क्लास मेरा नहीं है, है तो 6:45 पे, 6:45 पे है, टाइम टेबल में देखा है अभी तो, देखा 11 बी सर हम लोग एमए में हैं, बी में भी ना, एमए में नहीं है, बी में तो उसमें पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, रोटेशन पढ़ा रहे हैं ना, रोटेशन वाला क्लास है, एसएचएम वाला क्लास नहीं है, एसएचएम वाला क्लास नहीं है कल, ठीक है, तो परसों क्लास है, तो 5 जिनको डाउट होगा ट्राई करना कि 5 बजे ज्वाइन कर ले, ठीक है, इससे पहले वाला सर को बोलना कि सर छोड़ दीजिए 4:50 में, टाइम पे 4:40 तक अब क्लास हो रहा है, 4:40 तक ही हो रहा है, यस सर, टाइम टेबल में 4:40 दिया हुआ है, टाइम टेबल में 4:40 दिया हुआ है, 4:40, 4:40, 4:40, ठीक है, तो सर को बोलना कि सर जो भी क्लास होंगे, निहार सर क्लास है ना, उनको बोलना सर 4:40 में छोड़ दीजिए, हम लोग 4:50 से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि 4:50 से मिली तुम लेट ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 4:50 से लेके 5:15, 5:10 तक, ठीक है, 5:15 तक ट्राई करेंगे कि हम लोग ये जो 25 मिनट बचा इसमें हम लोग फेजर डायग्राम को एक बार वापस से रिवाइज कर लें, उसके लिए देख के आना, पढ़ के आना, ठीक है, तो जो भी डॉट रहेगा वो हम उसको बता देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे किस तरह से फेजर डायग्राम को हम लोग मतलब रेफरेंस सर्कल में यूज करते हैं, एसएचएम के मोशन को, एसएचएम का मोशन और रेफरेंस सर्कल में मोशन दोनों सेम सेम होता है, ठीक है, वो हम चीज को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, यानी आई मीन वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को ट्राई करना एकदम 4:50 में आप आ जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट 15-20 मिनट हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, और तुम मिल ली अपना आराम से ज्वाइन कर सकते हो, 5:20 से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू सर, और कभी भी क्लास मत छोड़ो, क्लास छोड़ते हो ना तो दिक्कत होता है, क्लास छोड़ते हो तो टाइम खराब होता है तुम्हारा भी मेरा भी, ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास तक 1-2 क्लास में खत्म कर लेते हैं, फालतू में खींचा जाता है, कल भी नहीं पढ़ा पाए, आ नहीं पाया तो आज भी टाइम आधा घंटा खराब हुआ आपके कारण, नहीं तो ये चीज पढ़ा देते तो आराम से बाकी चीज भी कवर अप कर लेते, उसके बाद हम लोग आराम से 1-2 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक बार सारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कस करेंगे। किसी को रोटेशन का डॉट पूछना है तो पूछो, टाइम है अपने पास, रोटेशन का डॉट पूछो, किसी को पूछना है, नहीं पूछना है,
अरे गधा लोग मेहनत करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, गधा लोग गधी लोग जो भी है। कंप्लीट हो गया था उस दिन बुकलेट, अब क्या तुम्हारा हो गया ना, बाकी लोग तो हम कुछ मिल ली बोल रहे आप तुमको नहीं बोल रहे चलो बाकी संजना श्रुति खुशी एक गधा सर्वेश कब करेगा जी, कब खून खोलेगा तुम्हारा करो करो थोड़ा सा, इतना भी कम टाइम नहीं मिलता है, क्वेश्चंस पढ़ के तो हो जाता है, टिक मार के करना होता है खटाखट मेडिकल क्वेश्चन, तो इसका आंसर पढ़े मार दिए, इसका आंसर पढ़े मार दिए, ऐसे तो क्वेश्चन होता है। फिर तुक्का पुराण भी सीख लिए हम लोग, हाँ आज भी तुक्का सिखाए थे करने के लिए किसी को, ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आना तो हम ट्राई करेंगे कि थ्योरी कवर अप कर लें कम से कम, नेक्स्ट क्लास से सारा क्वेश्चन 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 जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है अभी तो थ्योरी वाला पार्ट कर रहे हैं, फिर लाइन से हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है वो क्लास बिल्कुल मत छोड़ना जब टाइप ऑफ क्वेश्चन कराते हैं, इस डे में कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारा लाइन से करवाएंगे हम एक करके, ठीक है वो क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना क्लास, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। सर बोलो सर, वो पानी वाला क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए ना, वो भी करेंगे अभी, ठीक है बहुत तरह के ऐसे मोशन होता है, अलग अलग टाइप के मोशन होता है, जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर एक टनल खोल दोगे ये भी क्या करेगा, अगर यहाँ से छोड़ दोगे ये भी क्या करेगा, एसटीएम करेगा, ठीक है अगर आपने फ्लूइड के अंदर इस तरह से कोई ट्यूब डाल के छोड़ दिया है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया है ये भी क्या करेगा, एसटीएम करेगा, इस सब टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ये जो पेंडुलम है इसको थोड़ा सा आप छोड़ दो आगे करके ये भी क्या करेगा, इस तरह से एसटीएम करेगा, ये भी क्या है एसटीएम मोशन है, हर एक टाइप का एसटीएम मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे हर एक टाइप का, ठीक है अभी तो बस बोले ना स्प्रिंग वाला किए हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग स्प्रिंग वाला किए हैं, स्प्रिंग को दबा के छोड़ देंगे तो इस तरह से एसटीएम करेगा, ये सब भी क्या करेगा एसटीएम करेगा, इस सब टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, कोई फिजिकल पेंडुलम हुआ मान लो कि इस तरह कोई बॉडी हुआ, ठीक है इस बॉडी को भी अगर हम लोग कहीं से हैंग करके इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दे ये भी क्या करेगा एसटीएम करेगा, इस सब तरह के क्वेश्चन हम लोगों को करना है, जिस टाइम पर जो आएगा उसी टाइम पे, ये तो बोल रहा ना कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे तो सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे, ये सब क्या है टाइप ऑफ एसटीएम है, तो कैसे एसटीएम करेगा, कैसे इसका क्वेश्चन लिखेंगे, क्या इसका टाइम पीरियड होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये सब हम लोग करेंगे, यही पूछ रही ना तो फ्लूइड वाला। हाँ सर, सर और एक जनरल क्वेश्चन भी था, ठीक है इस सब में आपको देखना पड़ेगा, आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है, सब एक ही टाइप से होगा, ठीक है इसमें फोर्स को आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स इक्वल टू मान लो माइनस ऑफ समथिंग इनटू एक्स आ गया, ये समथिंग क्या हो जाएगा आपका, ये समथिंग हो जाएगा आपका की हो जाएगा, ठीक है अगर कोई भी फोर्स अगर इस तरह से आता है तो पार्टिकल क्या कहेगा एसटीएम करेगा, पार्टिकल क्या कहेगा आपको एसटीएम करेगा, ठीक है सब जगह पर हम लोग ऐसे ही देखेंगे, एंगुलर एसटीएम और लीनियर एसटीएम दोनों देखेंगे, जब ये टाइम आ जाने दो सुपर पोजिशन के बाद वही सब शुरू हो जाएगा, सुपर पोजिशन के जैसे खत्म होगा वैसी वो सब सी शुरू हो जाएगा, बस टाइम पीरियड निकालना ही चलेगा अपने को, ठीक है हाँ बोलो सर, ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है कम होता है, जिस चीज का अगर तुम्हारा डेंसिटी पानी से कम होगा, तुम्हारा डेंसिटी अगर पानी से कम होगा तो तुम भी क्या करोगे फ्लोट करोगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सर इतना सा क्वेश्चन तो वो तो पता है, तो 8th से ही पता है, लेकिन इतने से क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है पेपर में, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है उसमें, तुमको कुछ बड़ा भारी भरकम सा थ्योरी होगा, नहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देना, देखो क्वेश्चन को तो लंबा बनाना अपने हाथ में है ना, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना फिर बताना, लास्ट में जो पॉइंट वाला चीज होगा उसको लिखना कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई द ऑयल फ्लोट ऑन द वाटर, पूरा को आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हुए नीचे तक आना, लास्ट में ये पॉइंट घेर के लिख देना, तो क्वेश्चन हम लोग वैसे एग्जाम एग्जाम में कॉलेज में रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, ठीक है